कुछ एरोमास होते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, दो तीन एरोमास के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है कपूर। अगर आप डेली पूजा में कपूर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कपूर की सुगंध कितनी अच्छी होती है और कितनी एनर्जाइजिंग होती है। तो शुद्ध कपूर आप लीजिए, कच्चा कपूर लीजिए। मैं कहूँगा कि टिकिया कभी भी नहीं लीजिए। टिकिया में थोड़ा सा पेट्रोलियम जो उसका एसेंस होता है वह ज़्यादा होता है। तो कच्चा कपूर लेकर के उसे किसी एरोमा लैंप के ऊपर आप जलाइए और पूरा घर उसकी खुशबू से महक जाएगा। आप देखेंगे कि जितने भी मक्खी और मच्छर हैं वह वहाँ से निकल जाएंगे, छोटे मोटे कीड़े भी निकल जाएंगे। दोस्तों, जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ पर आपको ये सब छोटे छोटे कीड़े ज़रूर मिलेंगे और इस के जो इंसेक्ट्स हैं वहीं पर आते हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो कपूर जलाने से पॉजिटिव एनर्जीज इतनी बढ़ जाती हैं कि इन सबको वह चीज छोड़ करके, वह जगह छोड़ करके जाना होता है और पॉजिटिव ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहती है, खुशबू का भी एटमॉस्फेयर रहता है। और अगर आप एरोमा लैंप के ऊपर नहीं जला सकते हैं तो इसे थोड़ा सा पीस लीजिए और वह पोछे की बाल्टी में डाल दीजिए, तो इससे भी आसानी रहेगी आपको। क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कौन मोमबत्ती लाएगा, कौन एरोमा लैंप लाएगा और रोज़ शाम को इसे जलाएगा। अगर आप जला सकें तो बहुत ही बेहतर है, सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाती हैं इससे। नहीं तो देसी कपूर का इस्तेमाल, देसी कपूर के इस्तेमाल की ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ अगर आप नेचुरल एसेंस ऑयल्स यानी कि एरोमा ऑयल्स आप लेते हैं, लेवेंडर ऑयल इनमें से एक है, सैंडल ऑयल भी बहुत अच्छा माना जाता है। सैंडल ऑयल बहुत ही कॉस्टली है, ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो आप लेवेंडर और लेमन ऑयल्स आप एरोमा लैंप के ऊपर जलाइए, इससे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं, एक तरीके से मैजिक का काम करता है। आपका मूड चिड़चिड़ा हो और अगर आप लेवेंडर ऑयल जला लें और ऐसी सुगंध में चले जाएं तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और अगर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे तो बहुत अच्छा भी फील करेंगे। लेमन ऑयल इसी तरीके से आपको हेल्प करता है, जितनी भी तरीके से बॉडी एक्स आपके उसमें रहती हैं स्ट्रेस के थ्रू, बीमारी है वह अलग बात है लेकिन अगर स्ट्रेस है, आप थके हुए हैं और लेमन ऑयल जल रहा है तो आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगर आप इन सबको जला नहीं सकते तो इनका वाटर सोल्यूबल बना लीजिए और पानी में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं।